सदर थाना क्षेत्र के उदयपुर रोड बाईपास स्थित कैसरपुरा पुलिया के पास शनिवार रात को अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बाइक उछलकर सड़क के किनारे स्थित एक खेत पर स्थित एक कुएं में गिर गई। हादसे में बाइक पर सवार एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की जानकारी रविवार सुबह सड़क से गुजरने वाले एक हाथ ठेला चालक को हुई। कुएं से बचाओ बचाओ की आवाज सुनकर ठेला चालक कुएं के पास पहुंचा तो देखा कि एक युवक कुएं से लटके पाइप को पकड़कर बैठा हुआ है। यह देखते ही ठेले वाले ने सड़क से गुजर रहे कुछ लोगों को बुलाकर कुएं में बैठे युवक को बाहर निकाला। कुएं से बाहर निकले युवक ने बताया कि कुएं में एक युवक और है। इस पर आसपास एकत्रित हुए लोगों ने उसकी जानकारी सदर थाना पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को कुएं से बाहर निकालने के प्रयास शुरू किए। इस दौरान पुलिस ने एक जेसीबी को मौके पर बुलाकर जेसीबी की सहायता से बाइक तथा युवक के शव को बाहर निकलवाया। कुएं से बाहर निकले युवक की शिनाख्त उदयपुर और गुरुकुल नगर निवासी 20 वर्षीय तरुण पुत्र राजू सिंह के रूप में हुई। शव की शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय की मोर्चरी पहुंचाया। उधर कुएं में जीवित निकले सेदरिया निवासी 17 वर्षीय काठार पुत्र जमील काठार शहर के उदयपुर रोड स्थित एक निजी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद घर चला गया। जानकारी के अनुसार शनिवार को मृतक तरुण का जन्मदिन था। तरुण अपने दोस्त अजय काठात के साथ नरबतखेड़ा के पास स्थित एक होटल पर अपना जन्मदिन मनाने के लिए बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि दोनों दोस्त केसरपुरा पुलिया से आगे जाने के लिए रोंग साइड में चल रहे थे। इस दौरान किसी अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी जिसके कारण बाइक उछल कर पास ही में स्थित एक खेत पर स्थित बिना मुंडेर के कुएं में बाइक सहित गिर गए। बताया जा रहा है कि तरुण बाइक सहित कुएं के दलदल में गिर गया और अजय काठात कुएं में लटक रहे एक पाइप को पकड़ में आने के कारण उसे पकड़ कर बैठ गया। रात को अजय ने बचाओ बचाओ की आवाजें भी लगाई लेकिन रोड पर वाहनों की आवाजाही होने के कारण किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। रविवार सुबह सब्जी बेचने के लिए ठेला लेकर निकले एक युवक ने उसकी आवाज सुनी और कुएं पर पहुंच कर उसे कुएं से बाहर निकाला। उधर सदर थाना पुलिस के एसआई सुखराम ने परिजनों की मौजूदगी में राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय की मोर्चरी में पंचनामा तैयार कर शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद लाश अंतिम संस्कार हेतु परिजनों के सुपुर्द की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।